नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। अधिकार तथा कर्तव्यों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है, अर्थात अधिकार तथा कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। हम इनके अलग अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन तो था, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। विश्व में सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इसे स्वीकार किया। इन देशों में एक भारत भी था। भारत में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 ग में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भारतीय संविधान में प्रदान किए गए 10 मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए एवं पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। चौथा मूल कर्तव्य है, देश के नागरिक देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। छठा मूल कर्तव्य है, भारत के नागरिक अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। आठवां मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए तथा मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नवा मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दसवां मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़े गए थे। एक 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह सन 2000 में हुआ था। इसमें कहा गया, 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें
शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जापान, इटली, चीन आदि देशों में भी नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, अर्थात अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय इन पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के विरुद्ध आचरण पर दंड देने की संस्तुति की थी। आज हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े। धन्यवाद।